के घर आबकारी मामले में सीबीआई ने छापेमारी की है। मनीष सिसोदिया ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। दिल्ली के शिक्षा और आबकारी मंत्री के घर छापेमारी के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। वहीं इसको लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके इस सरकार को घेरा है। केजरीवाल ने अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ का जिक्र करते हुए लिखा कि जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार एनवाईटी के फ्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, उसी दिन मनीष के घर केंद्र ने सीबीआई भेजी। सीबीआई का स्वागत है, पूरा कोऑपरेट करेंगे। पहले भी कई जांच रेड हुई, कुछ नहीं निकला, अब भी कुछ नहीं निकलेगा। अरविंद केजरीवाल ने भी अब इस पर प्रतिक्रिया दे दी है। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, बात अगर हम करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगते आए हैं या केंद्र सरकार पर खुद कई बार केजरीवाल आरोप लगाते आए हैं कि ईडी का डर दिखाया जाता है, सीबीआई का डर दिखाया जाता है, और जिस तरीके से सीबीआई का छापा पड़ा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर, उसके बाद से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी एक बार फिर से हरकत में आ गई है। देखिए, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर के अलावा 20 अन्य जगह हैं जहां पे सीबीआई द्वारा रेड किया गया है, चाहे एनसीआर की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें। इसमें कुछ अधिकारी भी शामिल है जिनके यहां पे सीबीआई रेड जो है वो चल रही है। मनीष सिसोदिया के घर की बात करें तो जो मथुरा रोड पे उनका AB18 जो उनका घर है वहां पे लगातार छापेमारी चल रही है। लगभग 8 बजे के आसपास जो है वो सीबीआई के तमाम लोग जो है वो वहां पे पहुंचते हैं, और उसके बाद फिर हमने देखा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो है वो सीबीआई और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए दिखे। और जहां तक मनीष सिसोदिया की बात है, जो खासतौर पर दिल्ली के उप राज्यपाल है, उन्होंने नई आबकारी नीति को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, जिसकी वजह से ये छापेमारी हो रही है। दूसरी बड़ी चीज मनीष सिसोदिया के अगर ट्वीट बात करें तो उन्होंने साफ किया है कि ये पहला मामला नहीं है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी सीबीआई कई जगह रेड कर चुकी है, चाहे वो मनीष सिसोदिया की बात करें या खुद अरविंद केजरीवाल की बात करें कि उनके ऑफिस में किस तरह से रेड हुई थी जहां सीबीआई को कुछ नहीं मिला। और ऐसे में आज खास बात ये थी कि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपी है जिसमें दिल्ली के स्कूलों को दर्शाया गया है और दिल्ली के स्कूलों उसको कहा गया है कि किस तरह से मॉडल पेश किया है, एक मॉडल बना के पेश किया गया है। मनीष सिसोदिया का भी इसमें जिक्र किया गया है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी कह रही है कि जब एक तरफ अमेरिका जैसे देश में जहां पे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की शिक्षा को लेकर जो प्रशंसा हो रही है और दूसरी तरफ केंद्र सरकार जो है वो उसी दिन यहाँ पे सीबीआई की रेड होती है, ये दूसरी चीज। अगर हम मनीष सिसोदिया की बात करें तो जब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी तब भी मनीष सिसोदिया लेके अरविंद केजरीवाल ने मीडिया सामने अपना बयान रखा था। अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट किया था कि सत्येंद्र जैन के बाद अगली कार्रवाई जो है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अगली कार्रवाई जो है वो मनीष सिसोदिया पे होने वाली है, और इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार पे आरोप लगाया था कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ हालांकि कोई मामला नहीं है लेकिन सीबीआई लगातार मामले को ढूंढ रही है कि कौन सा मामला मिले जो मनीष सिसोदिया को सीबीआई के अंदर लिया जाए, यानी सीबीआई जो है उसे लेके मनीष सिसोदिया पे ना सिर्फ एफआईआर दर्ज कर सके बल्कि आगे की कार्रवाई कर सके। तो तमाम सारी चीजें जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा कही गई थी, और आज जिस तरह से जब से खासतौर पर ये सीबीआई रेड शुरू हुई है आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो है वो साफ तौर से सीबीआई का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। अमित जी, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी, और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है, इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय सिंह करेंगे। आपको बता दें कि सीबीआई का छापा पड़ा मनीष सिसोदिया के घर, साथ ही साथ 20 अन्य जगह है जहां पर सीबीआई का छापा पड़ा है। ट्वीट कर केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीबीआई का स्वागत है, पूरा कोऑपरेट करेंगे, भले पहले भी कई जांचें हुई हैं, रेड हुई हैं, कुछ नहीं निकला और अभी भी कुछ नहीं निकलेगा। साथ ही साथ उन्होंने जिक्र किया कि अमेरिका के सबसे बड़े न्यूज पेपर एनवाईटी में
के पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर थी और उसी दिन मनीष के घर केंद्र ने सीबीआई भेजी है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए केजरीवाल भी नजर आए। डिप्टी सीएम ने भी ट्वीट किया था, उन्होंने लिखा कि हम यहां पर बच्चों के लिए स्कूल बनवा रहे हैं और लाखों बच्चों की मुस्कान जो है वो ही हमारी ताकत है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के एक एक नेता जो है वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, समर्थन में नजर आ रहे हैं और केंद्र सरकार पर हमलावर भी हो रहे हैं। और इससे पहले भी आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर कई बार सीबीआई ईडी को लेकर हमलावर रही है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाती है। और इसी को लेकर आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। उनको रोकना है लिखा है और ना ही स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला है। आपने हमारे स्वास्थ्य मंत्री को जिसने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल पूरे दुनिया को दिया, जिसने पूरे देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति की, उसको उठा के जेल में डाल दिया। हमारे शिक्षा मंत्री को जेल में डालने की तैयारी है, शिक्षा मंत्री को जेल में डाल। मॉडल दिल्ली का मॉडल पूरे दुनिया और पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है। अमेरिका का वो अखबार जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बारे में छापता है कि कोरोना के दौरान लाखों लोगों की मृत्यु हुई, अमेरिका का वो न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार जो मोदी सरकार की असलियत को पूरी दुनिया के सामने रखता है, वही अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार कल मनीष सिसोदिया की फोटो के साथ दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा करता है। मनीष सिसोदिया के फोटो के साथ दिल्ली के शिक्षा क्रांति की चर्चा करता है, केजरीवाल के मॉडल की चर्चा करता है। इस बात पर पूरे देश को खुश होना चाहिए, पूरा देश इससे खुश है कि आज पूरे दुनिया में मनीष सिसोदिया की चर्चा हो रही है, पूरे दुनिया में उनके शिक्षा क्रांति की चर्चा हो रही है, पूरे दुनिया में केजरीवाल मॉडल की सराहना हो रही है। लेकिन शर्म आती है हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच इतने छोटे स्तर की सोच है कि दूसरे दिन ही वो मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई भेज देते हैं। उनको खुश होना चाहिए था कि मनीष सिसोदिया के शिक्षा मॉडल की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन वो बौखलाकर दूसरे दिन सीबीआई का छापा डलवा देते हैं। और मसला शराब नीति नहीं है, याद रखिएगा, मकसद शराब नीति की जांच कराना नहीं है, याद रखिएगा। किसी को गलतफहमी हो तो अपने दिमाग से दूर कर लीजिए, मकसद एक ही है, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकना। अगर शराब नीति मसला होता, अगर शराब मुद्दा होता, तो सबसे पहली जांच गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता नकली शराब बनाते हैं, जहरीली शराब बनाते हैं, सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है वो जहरीली शराब बनाकर, तो जांच तो उनके खिलाफ होनी चाहिए थी, जांच की शुरुआत तो उनके खिलाफ होनी चाहिए थी। उनके खिलाफ कोई ईडी, कोई सीबीआई, किसी एजेंसी ने कोई जांच की? तो इसलिए शराब मुद्दा नहीं है, मुद्दा है अरविंद केजरीवाल की मॉडल को, शिक्षा के, स्वास्थ्य के मॉडल को रोकना, दिल्ली के मॉडल को रोकना। लेकिन मैं मोदी जी आपसे बहुत साफ तौर पर कहना चाहता हूं, अपनी इस छोटी सोच से बाहर आइए, बड़े मन से काम कीजिए। अब केजरीवाल आपसे रुकने वाले नहीं है, दिल्ली का शिक्षा मॉडल आपसे रुकने वाला नहीं है, स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला नहीं है। पहले भी आपने सैकड़ों प्रयास किए हैं, अब भी कर लीजिए। पहले भी आपने मुख्यमंत्री के दफ्तर पर सीबीआई का छापा मारा है, क्या निकला आज तक? कुछ नहीं निकला। मनीष सिसोदिया पे सीबीआई का छापा मार चुके हैं, क्या निकला? कुछ नहीं निकला। हमारे 40-40 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, कुछ क्या निकला? कुछ नहीं निकला। अब रोज सीबीआई ईडी, सीबीआई ईडी,
इन एजेंसियों को, दिल्ली पुलिस, इनको आपने मजाक बना रखा है? कराइए जांच, और हम तो स्वागत करते हैं, आप जांच कराइए जितनी जांच करा सकते हैं। न पहले कुछ निकला ना अब कुछ निकलेगा, आपका चेहरा जरूर पूरे देश के सामने बेनकाब होगा। यह मैं बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं। मुझे इतनी बात कहनी थी, आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। संजय जी, मनीष जी के यहाँ पे जो सीबीआई के रेड पड़ा है वो शराब नीति को लेकर, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को, आप तमाम बातें कर रहे हैं लेकिन उस पॉलिसी के अंदर में जो आरोप लगा है कि शराब कारोबारियों को मुनाफा पहुंचाया गया, 144.36 करोड़ का जो फीस है माफ किया गया, नीतियों के अगेंस्ट जाके काम हुआ, ये सब कुछ पब्लिक, इन सारी बातों पर 1000 बार जवाब दे चुके हैं हम लोग। इन सारी बातों का जवाब मनीष सिसोदिया जी दे चुके हैं, पूरी पार्टी दे चुकी है। मैं आपसे पूछ तो रहा हूं, अगर शराब मुद्दा है तो गुजरात में जांच क्यों नहीं होनी चाहिए, जहां पे जहरीली शराब से बीजेपी नेताओं ने एक जिला पंचायत का सदस्य पकड़ा गया था भाजपा का, जिसके घर में जहरीली शराब, नकली शराब बन रही थी। क्या कार्रवाई हुई ईडी सीबीआई की? क्या कार्रवाई होती है बीजेपी नेताओं पर ईडी सीबीआई की? येदुरप्पा जेल गया? हेमंत विश्व शर्मा पे जो जांच चल रही थी वो जांच में कुछ निकला? क्या निकला बताइए? नीरव मोदी, मेहुल चौकसी 20,000 करोड़ लूट के भाग गए, कुछ हुआ? 9,000 करोड़ विजय माल्या लूट के भाग गए, कुछ हुआ? जल जीवन मिशन का 1,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हमने खोला था उत्तर प्रदेश के अंदर, कुछ हुआ? 42,000 करोड़ का डीएचएफएल ने घोटाला कर रखा है, 29 करोड़ रुपए चंदा दिया है बीजेपी को उसने, कुछ हुआ? मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं, मकसद इनका बहुत साफ है, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकना। मकसद इनका बहुत साफ है, शिक्षा और स्वास्थ्य का जो मॉडल आज पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है, पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है, उसको बदनाम करना। वो उसमें कामयाब उनको मिलेगी नहीं। इसी मामले में विजिलेंस इंक्वायरी भी हुई थी सर, 11 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी जी, उसके बारे में पार्टी फैसला लेगी, क्या करना है कैसे हम इस पे अपना जवाब देंगे। संजय जी, इसी मामले में विजिलेंस इंक्वायरी भी हुई थी और 11 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, आपको लगता है कि? मैं तो आपको याद दिला रहा हूँ, ऐसे ही चीख चीख के सारे उस समय भी चिल्लाते थे जब सीबीआई पहुंची थी मनीष सिसोदिया के घर, अरे बहुत बड़ा घोटाला पकड़ने आए हैं, कुछ निकला? कुछ नहीं निकला। 40-40 विधायकों को जब भी गिरफ्तार किया, इतनी ही गंभीरता के साथ, इतनी ही चिल्लाहट के साथ, इतना ही चीख चीख के, उस समय भी भाजपा ही चिल्लाते थे इस पे ये निकल गया, उस पे वो निकल गया, इस पे ये पकड़ा गया, उस पे राजेंद्र कुमार के कंपनियां पकड़ी गई हैं, फ्लैट पकड़ा गया है, बचेगा क्या? हुआ भाई आज तक? मैं पूछ तो रहा हूं आपसे, आप बताइए। लेकिन तो ऐसा पहली बार सुंगलू कमेटी बनाई, 400 फाइलों की जांच कराई दिल्ली सरकार की, बाद में कह दिया कुछ नहीं निकला। तो मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली का शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल पूरी दुनिया में, देश में लोकप्रिय हो रहा है, उसको ही बदनाम करना है, उसको ही रोकना है। एक ऐसी छोटी सोच के प्रधानमंत्री अगर देश में है तो शर्म आती है कि वो किस प्रकार से इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं, कैसे वो इस देश को आगे बढ़ाएंगे। जिस देश के प्रधानमंत्री की सोच इतनी छोटी हो कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम ना करने दे, अब बताइए कैसे वो देश को आगे लेके जाएंगे, क्या उनका। और यहां पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुन रहे थे आप, जिन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी जांच हो चुकी है, कुछ नहीं निकला, और एक बार फिर आप जांच करा लीजिए, कुछ नहीं निकलेगा। हालांकि उनका यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता से डर रही है केंद्र सरकार, और वो हमारी शिक्षा नीति को खत्म करना चाहते हैं, वो हमारे विकास मॉडल को खत्म करना चाहते हैं, वो हमारे शिक्षा मॉडल को खत्म करना चाहते हैं, स्वास्थ्य मॉडल को खत्म करना चाहते हैं। ये तमाम आरोप जो है राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर लगाए हैं। हालांकि आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी इससे पहले कई बार आरोप केंद्र सरकार पर लगा चुकी है। उनका साफ कहना है कि केंद्र सरकार अपनी ताकत का
ताकत का नाजायज प्रयोग करती है। आम आदमी पार्टी पर केजरीवाल जी के घर छापा पड़ा, कुछ नहीं निकला। उसके बाद उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर छापा पड़ा है, कुछ नहीं निकलेगा। सत्येंद्र जैन जी के यहाँ छापा पड़ा, वहां कुछ नहीं निकला। तो ये तमाम बातें जो है राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कही।